आज किस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ गेटिंग विद हैमर इट। तो यार इस गेम में मैं लेवल्स को कम से कम 28 सेकंड में कर लेता हूँ। इस गेम को मैंने आपको मतलब पिछली वीडियो में बताया ही था, तो आज किस वीडियो में भी मैं आपको इस गेम के मतलब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊँगा इस गेम के लेवल को कम से कम समय में पार करने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको ना जल्दी से लेवल्स स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ मैं कौन कौन सी ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो पहले तो आप मेरा ना एक पहले तो आप मेरा एक स्पीड वो देख लो कि मैं कम से कम समय में कैसे करता हूँ, ये देख ही सकते हो। मतलब माइनर मिस्टेक्स हैं मेरी में, मतलब जिनको मैं मिस्टेक्स को पार कर लूँगा, मतलब थोड़ा वो कर दूंगा, लेकिन मैं आपको जितना मेरे को आता है जितने सेकंड में मैं करता हूँ उतने सेकंड में तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। ये बिल्कुल गेम जो है गेटिंग ओवर इट से इंस्पायर है, कॉपी नहीं कहेंगे लेकिन इंस्पायर है। 30 सेकंड यानी 30 सेकंड में इस लेवल को जो है कंप्लीट कर दिया है, वो भी यूं ही चुटकियों में यूं ही कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैंने इस लेवल को कंप्लीट कैसे करा। तो आपने देखा जैसे मैं हमेशा एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, वो है हमेशा मैं अपना जो हैमर है उसको मैं हमेशा एक्सेंट रखता हूँ। ऐसा नहीं कि इतना रख दिया, इतना इतने से कर रहा हूँ मैं, इतने इतने से नहीं करता। देखो अब मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा, मेरा हैमर ये जो क्रेट है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है देखो, क्योंकि मैंने अपना छोटा कर रखा है हैमर। मैं हमेशा अपने हैमर को बड़ा रखता हूँ, ये जो जॉयस्टिक है इसको हमेशा ऊपर रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरा हैमर ज़्यादा ज़्यादा बड़ी जगहों पर ऐसे पहुँच सके। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं पहुँचता हूँ, और जब भी ऐसी कोई स्लाइड आती है मैं उस पर उसकी स्टार्टिंग पे बहुत तेज़ हथौड़ा मारता हूँ स्पीड में, बिल्कुल इतने स्पीड में। फिर जैसे मैं आने लगता हूँ, स्लाइड होने लगता हूँ, मैं फिर से मारता हूँ। तो मैं आपको एक और बार फिर से दिखा देता हूँ वही चीज़ कर। पहले मैं एक सेकंड वहाँ पहुँच जाऊँ, ये मैं यहाँ पर एक वो कर देता हूँ। मैं हमेशा यहाँ स्टार्टिंग पे मार रहा है एक स्पीड में, फिर एक और आपको मारना है। ठीक है, ऐसे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में भी दिखा देता हूँ। स्लो मोशन में देखो ये चीज़, तो ये देखो तो देख ही सकते हो मैंने कितने कम सेकंड में, मतलब मुश्किल से दो दो तीन तीन सेकंड में इसको कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि अब मेरे जैसे ये वाला पार्ट कैसे करा। ठीक है, वो वाला पार्ट भी दिखाई देता हूँ, यार मेरे को फिर से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट करने के लिए मैंने जो है एक चीज़ हमेशा वो करी कि मैंने हमेशा इसमें थोड़ा पास गया क्रेट के और एकदम से हथौड़ा मारा है ना, फिर मैं बीच में आया क्रेट के और एक जोर से पुश दिया ताकि आप दूसरे साइड पे जा सको। ठीक है, आपको ये करना है, एक बार स्लो मोशन में भी देखो। ये वाली ट्रिक भी बहुत अच्छी ट्रिक है, ये भी ट्रिक सिखाता हूँ। तो आपको फर्स्ट में ही बहुत तेज़ हथौड़ा मारना है, यहाँ पर इतनी तेज़ हथौड़ा मारना है कि आप दूसरी साइड पे पहुँच जाओ क्रेट के। ठीक है, ये ट्रिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ट्रिक है, ये देखो इसको मैंने कितने कम सेकंड में पार कर दिया, ये वाली चीज़ को मैंने कितने कम सेकंड में पार कर दिया। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि आखिर मैंने ये कितने मतलब कैसे करा इस चीज़ को कंप्लीट। तो अब अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, सपोज़ अब मेरे को ये वाले पहाड़ पे चढ़ना है, अब सामने कोई भी चीज़ होगी ना, चाहे वो इतना सा, ये जो देखो जहाँ पर मेरा हैमर है ना, देखो मैं आपको पेन से दिखाता हूँ, ब्रश से दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ से ये ऊंचा है थोड़ा, मैं यहाँ पर अपना हैमर मारूँगा इतनी स्पीड में, तो देखो मैं थोड़ा ऊँचा हूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ है ना, अब मैं यहाँ पर बहुत से मारूँगा तो पूरा मैं थोड़ा ऊँचा हूँ ना, ऐसे अगर मैं यहाँ पर बहुत स्पीड में मारूँगा तो मैं वहाँ तक तो पहुँच ही सकता हूँ, ऊपर तक तो पहुँच ही सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, देखो ये देखो कितने कम सेकंड में मैंने इसको पार कर दिया। आप देखो स्लो मोशन में, ठीक है, इसको स्लो मोशन में बहुत प्यार से देखो ये आपको कैसा लगता है। अब जो सबसे ज़्यादा मायने वाली चीज़ है वो है मैं हमेशा हाफ पुश करता हूँ। देखो ऐसे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ना मैं हाफ पुश करता हूँ,
देखो जैसे कि मेरे को यहाँ जाना था, देखो इस पे चढ़ना था, तो आप लोग यूँ करके चढ़ोगे, है ना। लेकिन मैं चढ़ता हूँ थोड़े तेज़ स्पीड रन करने के लिए, मैं चढ़ता हूँ हाफ पुश करता हूँ ऐसे करके, मतलब आपको अपना हाफ पुश मतलब आपकी जो जॉयस्टिक है ना, आपको इसको ऊपर करना है और नीचे करके फिर से ऊपर करना है उसी साइड से। ऐसा नहीं आप पूरी जॉयस्टिक को यूँ घुमाओ, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करना है लाइक दिस। मैं दिखाता हूँ आपको, आपको करना है ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये कुछ ही जगह पर काम आता है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह पे भाई हाफ पुश करो हाफ पुश करो हाफ पुश इज़ द बेस्ट हाफ पुश करो हाफ पुश करो, ये इसके लिए काम नहीं आता। ये आता है अगर आपको कोई ऊंची जगह पे पहुंचना हो, ऊंची जगह। अब लाइक दिस मैं आपको दिखाता हूँ, एक 7th लेवल है जो जिसमें हमें थोड़ा ऊंचा कूदना पड़ता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, मतलब कितना और कितना ऊंचा कूदना पड़ता है आपको। 1 सेकेंड, अब देखो इसमें तो नहीं, अब इसके बाद आने वाला है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। देखो अब यहाँ आपको वहाँ पहुँचना है भाई, लिटरली आपको आपको वहाँ पहुँचना है। तो यहाँ आप कैसे पूछोगे, आप पूछोगे पहुँचोगे हाफ पुश कर कर, हाफ पुश भी आधा पुश करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो टेक्निक्स होती हैं, या तो आप ना हाथ मतलब जो आपका कोई भी चीज़ होती है जहाँ पर आपको पहुँचना होता है, वहाँ पर आपको ढूंढना है कोई ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा मतलब ऊँचा हुआ और जहाँ पर आपका हैमर कुछ इस टाइप से टिक जाए, मतलब देखो कुछ इस टाइप से टिक जाए और जिससे आप यूँ ऊपर जा सको, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको यहाँ। देखो इस पार्ट में आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखो ये वो मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ मिल जाएगा, ये देख ही सकते हो यहाँ मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना हैमर कैसे भी करके मारना है, इसमें दो ट्रिक्स है, आप दो ट्रिक कर सकते हो। पहली है हाफ पुश, जो मतलब ज़्यादा इसमें अच्छे से नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं करती है हाफ पुश, वर्क करती है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही मतलब पीरो प्लेयर हो यार, हमने गेटिंग ओवर इट भी 4-5 बार कंप्लीट कर रखा है, तो फिर यार आप इधर हाफ पुश ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बनना लेकिन आपको आना है, अगर आप अपना पूरे जॉयस्टिक को यूँ घुमाओगे नहीं तो आपका ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, इस स्पीड रन को देखो मेरे, इसमें आप कोई और भी नई चीज़ें ढूंढो कि मैंने किन किन चीज़ों को यूज़ करा है। देखो अब मैंने इसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उन सारी ट्रिक से मैं इसको वो करता हूँ। अब ये वाला स्पीड रन हुआ है 32 सेकंड्स में, जिसमें मैंने मतलब ना हाफ पुश बहुत कम करे हैं, मतलब हाफ पुश बस एक ही करा। अब देखो मैं जिसमें दो हाफ पुश करूँगा उसमें देखो मेरे कितने अच्छे आएंगे, मतलब मैं 3-4 हाफ पुश करूँगा उसमें देखना मैं कितने फास्ट करूँगा। देखो देखो अब मैंने इसको करा है 29 सेकंड्स में, यानी कितने सेकंड्स बचे आपके, आपके कितने सेकंड्स बचे, 39 मतलब 31 32, यानी 3 सेकंड का फ़र्क है। मैंने 32 सेकंड्स में करा था बिना हाफ पुश वाली उसमें। तो गैस यार मैं अभी आउट्रो करना भूल गया, तो अब कर रहा हूँ। तो गैस अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो करना ही भाई, ठीक है। तो यार अब मैं मिलूँगा यार आपको एक और नई वीडियो में, तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। यहा